हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे ये पोचुलका मॉस रोड, 9 o'clock ऑफिस गोइंग, कई नाम से जाना जाता है, इस फ्लावरिंग प्लांट की कटिंग लगाने और इसके हमारे पास कितने कलर्स हैं उसको मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये तो मेरा ट्रेडिशनल, करीब मेरे यहाँ ये बहुत 20 साल से है, उसी की कटिंग लगा लगा के मैं इसको ये कलर, सबसे पहले मैं ये कलर, वैसे भी ये एक कॉमन कलर है, ये आपको कहीं भी ये ज़रूर मिलेगा, ये वाला कलर। तो ये वाला कलर मेरा 20 साल से है, मेरी कोई ट्रेनिंग हुई थी तो मैं जब ट्रेनिंग जहाँ मेरी हुई थी मैं वहाँ गई थी तो वहाँ लगा था, तो मैं इसके 8-10 ऐसे ही नोच के लाई थी और धीरे धीरे करके मेरे यहाँ इतने हो गए कि देखिए अभी भी वो चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला कलर मैं ले आई, फिर ये वाइट कलर भी मैं ले आई और अब की बार मैंने देखिए ये 3 नए कलर ऐड किए हैं। ये देखिए, ये है, ये आज बहुत बड़ा फूल नहीं खिला है, ये देखिए कलियाँ भी हैं और एक ये कलर है, ये देख रहे हैं, और इसमें भी देखिए कलियाँ हैं, ये नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा येलो है, ये कुछ ऑरेंज कलर में है। तो 3 कलर ये हैं और 3 ये देसी हैं मेरे पास। ये जो 3 कलर हैं ये हाइब्रिड हैं, इनकी पत्तियाँ भी कुछ दूसरी तरह होती हैं और ये जो है ये 3 मेरे हाइब्रिड हैं, ये हैंगिंग प्लांट और हैंगिंग पॉट में लगे हुए हैं। और इनको तो मैं देखिए कैसे लगाई हूँ, ये देखिए मिट्टी का, ये टूटा वो है भगोना अल्मोनियम का और ये डिब्बा है, ये देखिए ये केवल एक जिसमें वो नर्सरी वाले प्लांट देते हैं वो हैं। इस तरह से ये सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है, इसके पत्तियों में, सकुलेंट मतलब इनकी पत्तियों में भी पानी होता है इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, लेकिन जब इनको बारिश का पानी मिलता है तो कुछ ज़्यादा ही फ्लावरिंग। इधर मेरे यहाँ पानी कम बरस रहा था तो कम फ्लावरिंग, लेकिन आज देखिए 1-2 दिन से बारिश होने लगी तो खूब फूलों की भी बारिश होने लगी इस तरह से। और इतनी जगह मैंने लगा रखा है कि मैं आपको कहाँ तक दिखाऊं। और ये देखिए, इसकी आप कटिंग लगाना इतना आसान है, आप इतनी सी कटिंग, ये देखिए ये मैंने लगाई है, ये मैंने लगाई है, ये मैंने लगाई है, इस तरह से इतनी जगह मैंने ये देखिए, ये रेड वाले हाइब्रिड की कटिंग अभी 3-4 दिन हुआ मैंने लगाया था। और ये देखिए इधर बारिश हुई तो इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी। ऐसे आप इनको, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पॉट ना हो तो इस तरह से आप इनको किसी भी गमले में ऐसे लगा दीजिए तो आपको ये हर जगह, तो मैंने मिक्स करके लगाया है लेकिन यहाँ देखिए ये केवल वाइट मैंने इसमें लगाया है। ये सीमेंट का पॉट है, इसको मैंने खुद बनाया था टब में, टब में सीमेंट से मैंने खुद बनाया था। तो देखिए ये वाइट कलर के कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इसमें सेपरेट केवल एक कलर है। यहाँ देखिए केवल ये कलर मैंने लगाया है, देखिए छोटे छोटे मैंने ये देखिए छोटे छोटे पॉट में जो 10-10 रुपए के मिलते हैं। और ये देखिए बच्चों की गुल्लक थी टूट गई थी, ये देखिए छोटा सा डिब्बा, ये देखिए ये बॉटल में, इसको मैंने वर्टिकल बॉटल में लगाई, ये मेरा वो है पर्सलेन, पर्सलेन तो मेरे पास यही एक कलर है लेकिन देखिए कि अच्छी आज फ्लावरिंग कुछ ज़्यादा अच्छी हुई है। ये देखिए 2 जगह, ये भी कोई नहीं, ये भी एक बड़े से पॉट में भगोने में टूटे लगा है स्टील के, ये देखिए इस तरह से ये सब ऐसे लगे हैं। ये देखिए छोटे छोटे पॉट में मैंने कटिंग लगाई है, ये देखिए,
और इनकी पर्सलेन की भी वही प्रोसेस होती है, आप जो जिस तरह से उसको लगाते हैं इसकी भी छोटी सी कटिंग लगा दीजिए साधारण मिट्टी में। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इनको बहुत रिच मिट्टी दीजिए, और ये बहुत आसानी से लगेंगे और इस तरह से फ्लावरिंग। और ये 4-6 महीने तो आपका गार्डन फूलों से भरा ही रहेगा, कोई फ्लावर खिले न खिले लेकिन ये खिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।